राम राम भणसारिया ने। आज है माँ दुर्गे का चौथा नवरात्रा, 5 अप्रैल है और दिन है मंगलवार। आज हनुमान का भी दिन है और माँ दुर्गे के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का भी दिन है। तो आज है माँ दुर्गे का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। तो माँ कुष्मांडा का जो नाम है वो कुष्मांडा के ऊपर पड़ा, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो इस देवी ने सृष्टि की संरचना करी थी। तो अपनी मंद मुस्कान से इसने सृष्टि रच दी थी, तो इसलिए इस देवी का नाम पड़ गया कुष्मांडा देवी। तो कुष्मांडा देवी की कथा सुनाऊंगी, सुन लियो सारे। शुरू करती हूँ मैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा से तात्पर्य है कुमड़ा। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए ही अवतार लिया था। इनका वाहन सिंह है। हिंदू संस्कृति में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में स्थित है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। जय माँ कुष्मांडा, नमो नमः। मंत्र है देवी का, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तये नमस्तये नमस्तस्यै नमो नमः। और माँ की आरती है, कुष्मांडा जय जग सुखदायिनी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, सख सांबरी माँ बोली बाली। लाखो नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भरी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कार्जु पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुम्ही को द्यावे, भगत तेरे दर शीश झुकावे। जय माँ कुष्मांडा, नमो नमः।